एक बार की बात है, एक गांव में दीपक और काजल नाम के पति पत्नी रहते थे। उन्हें दो लड़के और एक लड़की थी। दीपक एक किसान था और उसके पास एक गाय थी जिसका दूध बेचकर उनका गुजारा होता था। दीपक अचानक काफी बीमार रहने लगा था और टेस्ट कराने के बाद भी डॉक्टर्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दीपक को हुआ क्या है। लेकिन फिर भी वो पूरा दिन आराम करने के बजाय अपने गाय का दूध बेचने बाजार जाया करता था। इससे उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी थी और फिर उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो बिस्तर पर जकड़ गए। अब दीपक का बड़ा बेटा राकेश काम करने लगा जो पहले दीपक किया करता था, पर घर के हालात अब बहुत खराब हो गए थे। दीपक के काम ना करने से उनके ग्राहक भी कम हो गए थे। एक दिन दीपक और काजल का बड़ा बेटा राकेश उसकी माँ के पास जाकर, माँ मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो ना राकेश। माँ दरअसल अपनी गाय थोड़ी कमजोर हो चुकी है, इसी कारण वो अब ज्यादा दूध नहीं दे पाती। रोज हमारी तरफ से दूध ना मिलने की वजह से ज्यादातर ग्राहक अब दूसरे लोगों से दूध लेने लगे हैं। हमारा व्यापार अब ठंडा पड़ गया है, हमें इस बारे में कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो राकेश, अब तुम्हारे पापा की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, मैं भी उनकी देखभाल में व्यस्त रहती हूँ, अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ सोचता हूँ। राकेश अब अपने भाई बहनों से भी विचार विमर्श करता है। अगले दिन एक बूढ़ा आदमी उनके घर आता है और कहता है, अरे कोई घर पर है? मुझे अपने बीमार बेटे के लिए 1 लीटर दूध चाहिए था। राकेश तुरंत ही ताजा दूध निकालने के लिए गाय के पास जाता है, पर गाय ने बस आधा लीटर ही दूध दिया था। उसके आगे वो थोड़ा भी दूध नहीं दे पाई। वो फिर सोच में पड़ जाता है, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो बस आधा लीटर ही दूध है, अब मैं उनको क्या बोलूँगा। इतने में सपना वहाँ आ जाती है और अपने भैया से, भैया आप परेशान मत होइए, चलो आप बाहर, मैं सब संभाल लूंगी। सपना और राकेश बाहर आते हैं और दूध बूढ़े आदमी को दे देते हैं। अरे ये क्या, ये तो बस आधा लीटर ही है। राकेश के कुछ बोलने से पहले ही सपना बोल उठती है कि, बाबा ये कोई मामूली दूध नहीं है, ये तो चमत्कारी गाय का दूध है, ये पीकर आपका बेटा एकदम ठीक हो जाएगा। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ बाबा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं हमेशा आप सबका आभारी रहूंगा। फिर वो पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। तभी राकेश सपना से, सपना तुम खुद भी फंसोगी और हमें भी फंसाओगी। अरे तुम क्यों इतनी चिंता करते हो भैया, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है तुम इतना कह रही हो तो देखते हैं अब क्या होता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और एक दिन वो बूढ़ा आदमी राकेश को बीच बाजार में मिलता है तो राकेश से, अरे कैसे हो बेटा और तुम्हारे परिवार वाले सब कैसे हैं? राकेश उन्हें पहचान ही नहीं पाता। अरे बेटा तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा वही ग्राहक हूँ जिनको तुमने चमत्कारी गाय का दूध दिया था। धन्यवाद आप लोगों की वजह से मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। ये बात अब धीरे धीरे फैलने लगी है कि चमत्कारी गाय का दूध पीकर तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। लोग अब दीपक के घर के बाहर लाइन लगाने लगते हैं और वहाँ से साधारण दूध से ज्यादा पैसे देकर चमत्कारी गाय का दूध खरीदने लगते हैं। अब दीपक के घर के हालात सुधर गए थे और पर्याप्त पैसे होने से राकेश अपने पिताजी का इलाज बड़े अस्पताल में करता है। दोनों बाप बेटे अब साथ में ही दूध का व्यवसाय करने लगते है और अब उनके परिवार में कोई चिंता नहीं थी। कुछ सालों बाद विदेश से एक व्यापारी गाँव आता है, तब उसे इस गाय के बारे में पता चलता है और वो फिर गाय के मालिक से मिलने का निवेदन करता है। गांव के लोग फिर एक बैठक की व्यवस्था करते हैं। जी दरअसल मुझे ये गाय खरीदनी है, मैं तुम्हें इसके पूरे 2 लाख रुपए दूंगा, तुम वो पैसों से ढेर सारी गाय खरीदकर अपना व्यापार बढ़ा सकते हो। दीपक के मन में ये बात सुनकर लालच आ जाता है। वो सोचने लगता है कि ये मामूली गाय के इतने पैसे दे रहा है, फिर मुझे ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। वो बिना किसी को बताए उस गाय को विदेशी को बेच देता है। विदेशी खुश होकर उसे पैसे देकर खुशी खुशी अपने देश लौट जाता है। कुछ दिन में दीपक का परिवार नोटिस करता है कि गाय गायब है। वो दीपक को पूछने लगते हैं कि गाय कहाँ चली गई है। पहले तो वो बोलता है कि, अरे मैंने गाय को थोड़े दिनों के लिए अपने दोस्त राहुल को दी है, वो जानवरों का डॉक्टर है और हमारी गाय बीमार भी थी तो वो उसकी निगरानी में रहेगी। दीपक के घर वाले भी उसकी बात मान लेते हैं, पर कुछ ही दिनों में गाय को वापिस लौटता हुआ ना देख कर अब उन्हें शक होने लगा है। अब काजल दीपक के पास जाकर, अजी आप मुझे सच सच बताओ, गाय को कहाँ छोड़कर आए हो आप?
वो गाय बहुत कमजोर हो गई थी तो मैंने उसे अच्छी रकम में बेच दी। चिंता मत करो, हम नई गाय ले लेंगे। क्या कहा, बेच दी? आपको पता है ना वो कोई चमत्कारी गाय नहीं है, अगर उन्हें पता चला तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? तुम चिंता मत करो, विदेशी लोगों के पास बहुत पैसा होता है, वो लोग नोटिस भी नहीं करेंगे कि वो चमत्कारी गाय नहीं है। अगर उन्हें इतनी ही पड़ी होती तो अब तक मुझे उनका फोन आया होता। वो तो सपना उस गाय में जड़ी बूटी की दवाई मिलाया करती थी, इसलिए फिर लोग उस दूध को पीकर स्वस्थ हो जाते थे। पर अब उन विदेशियों को तो हमारा सच पता चल गया होगा। रात गई बात गई, छोड़ो ये सब, चलो खाना खाते हैं। वे खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जब दीपक बाजार में सब्जियां लेने जा रहा था तब एक आदमी उससे, अरे ये तो वही धोखेबाज है जो अपनी गाय को चमत्कारी बताकर हमसे पैसे लूटता था। सब बता दिया है हमें वो विदेशी ने, चलो गांव वालों मारो इसे। सब गांव वाले मिलकर दीपक को बहुत पीटते हैं और ये सारी बातें सभी और फैल जाती है। अब दीपक से कोई दूध नहीं खरीदता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जो भी इंसान लालच करता है वो अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। हमें हमेशा अपनी मेहनत से जो कुछ भी मिले उसी में खुश रहना चाहिए। अगर हम थोड़ा ज्यादा के चक्कर में लालच करेंगे तो हमारे पास अब जितना है हमें उससे भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसीलिए कहते हैं ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता। एक समय की बात है, श्रीरंगपुर नाम के शहर में लखन और सरिता नाम का एक जोड़ा रहता था। लखन एक छोटी सी फैक्ट्री में मजदूरी का काम किया करता था और सरिता भी घर का काम होने के बाद दो तीन घर का काम कराती थी। जितने भी उन्हें पैसे मिलते उनमें उन दोनों का गुजारा हो जाता था। एक दिन लखन को गांव से किसी का फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसके माँ पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, वो अब चल फिर भी नहीं सकते। उस दिन दोनों घर पर बहुत सोचते हैं और अपने गांव वापस जाने का निर्णय लेते हैं और दूसरे ही दिन गांव के लिए निकलते हैं। रास्ते से जाते वक्त सरिता लखन से, अजी एक बात कहूँ, माँ पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती तो हम शहर से वापस तो आ गए, लेकिन गांव में हम क्या करेंगे? गांव जाकर क्या करेंगे मुझे भी नहीं पता, लेकिन सरिता मुझे चाउमीन नूडल्स बनाना बहुत अच्छे से आता है, वही बनाएंगे और लोगों को खिलाएंगे। जी लेकिन ये तो गांव है, यहाँ चाउमीन चलेगा? अरे ऐसे कैसे नहीं चलेगा, एक बार मेरे हाथ के नूडल्स ये लोग खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे, देखना तुम। जैसा आपको ठीक लगे। घर जाकर दोनों अपने माँ पिताजी के पैर छूते हैं और उनसे आशीष लेते हैं। लखन माँ पिताजी से, माँ पिताजी आज से हम आपके साथ ही रहेंगे और आपकी सेवा करेंगे। लखन बेटे तुम यहाँ रहोगे तो अपना काम कैसे करोगे बेटा? अरे पिताजी आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं यहीं पर अपना काम शुरू कर रहा हूँ। दूसरे ही दिन लखन ने गांव में चाउमीन की रेडी लगा दी। पूरे दिन लखन की रेडी पर कोई नहीं आया। ऐसे ही 10-12 दिन बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी रेडी पर कोई नहीं आता था। सभी लोग गाड़ी की ओर देखते और बातें बनाते थे। अरे भाई पता नहीं ये लखन क्या लाया है गांव में, क्या बेच रहा है क्या पता, हमें तो उसका ठीक से नाम भी लेना नहीं आता। अरे आइए ना काका, जरा खाकर तो देखिए। लोग लखन की बातें अनसुनी करके वहाँ से चले जाते थे। 10-12 दिन बीत चुके थे लेकिन एक भी ग्राहक लखन के बनाए नूडल्स खाने नहीं आया था। अब सरिता अपने पति से, अजी आज तो 10-12 दिन बीत चुके हैं हमें यहाँ आए हुए, लेकिन कोई हमारी रेडी की ओर देखता भी नहीं, क्या होगा हमारा? अरे सरिता तुम चिंता मत करो, मैं आज ही मेरे दोस्त श्याम से बात करता हूँ। लखन श्याम का एक दोस्त है जिसके गांव में छोटी सी दुकान है। लखन को लगता है शायद श्याम उसकी कोई मदद कर दे, इसीलिए लखन श्याम से मिलने के लिए रात के समय उसके दुकान पर जाता है और श्याम से, अरे श्याम यहाँ कैसे लोग हैं भाई, जो मेरी रेडी को देखते तो है लेकिन आता कोई नहीं और बातें बनाते हुए वहाँ से चले जाते हैं, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ भाई, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। लखन देखो ये गाँव है, यहाँ लोग सोच विचार करके ही कुछ खरीदते हैं और लोगों को पता ही नहीं कि आखिर ये चाउमीन होता क्या है, तो वो तुम्हारी गाड़ी पर कैसे आएंगे बताओ? तुम्हें लोगों को पहले टेस्ट करवाना पड़ेगा, यही तुम्हारी परीक्षा होगी।
अब लखन को समझ आ चुका था कि आखिर लोग उसकी रेडी पर क्यों नहीं आ रहे थे। लखन घर वापस आ जाता है और अपनी पत्नी से, सरिता आज मैं शाम से मिलने गया था, उसने मुझे बताया कि हमारे ठेले पर लोग क्यों नहीं आते। अच्छा, तो अब आपने क्या सोचा है? सरिता, अब पहले हम लोगों को मुफ्त में चाउमीन खिलाएंगे ताकि लोगों को उसके टेस्ट का पता चले। कल से हम 2-3 दिन यही करेंगे। ऐसा कहकर लखन सोने चला जाता है। अब दूसरे दिन सरिता और लखन दोनों मिलकर लोगों को फ्री में चाउमीन खिलाते हैं। लोग भी बड़े मजे लेकर नूडल्स को टेस्ट करते हैं। उनमें से एक आदमी राघव लखन से, अरे वाह वाह वाह, क्या चीज बनाई है भाई तुमने, बड़ा मजा आ गया। आज तक तो देख ही रहे थे कि ये क्या है, आज खाकर समझ आ गया क्या लाजवाब नूडल्स है ये। उस दिन से लखन को तो जैसे लॉटरी लग गई थी, उसे बड़ा मुनाफा होने लगा था। लोग उसके हाथ के नूडल्स खाने के लिए भीड़ करने लगे थे। लेकिन अब इस बात का लखन को घमंड आने लगा था। वो अब लोगों से बदतमीजी से बातें करने लगा था, और तो और उसने नूडल्स के दाम भी बढ़ा दिए थे। एक दिन एक ग्राहक लखन से, अरे लखन, तूने अचानक से ये नूडल्स के दाम क्यों बढ़ा दिए भाई? अरे ओ काका, तुम्हें नूडल्स खाने हैं तो खाओ, नहीं तो चले जाओ यहाँ से। मेरे अलावा कौन है तुम्हें नूडल्स खिलाने वाला? वो ग्राहक पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। अब धीरे धीरे उसकी बदतमीजी से बात करने के कारण लोगों का नूडल्स खाने के लिए आना बंद हो गया था। अब फिर से लखन वही आ पहुँचा था जहाँ से उसने शुरुआत की थी। उसके गाड़ी पर अब गिने चुने लोग ही आते थे। लखन को अब उसकी गलती का एहसास हो चुका था। लखन खुद से, हे भगवान, ये सब मेरे बुरे बर्ताव की वजह से हुआ है। मैं आज से मेरे ग्राहकों के साथ अच्छे से पेश आऊंगा। अब उसे समझ में आ चुका था कि आखिर उसने क्या गलती की है। अब उसने फिर से अपने नूडल्स के दाम पहले जैसे कर दिए और लोगों से बड़े प्यार से बातें करने लगा, जिस कारण उसका नूडल्स का धंधा फिर से जोरों से चल पड़ा और सभी गांव वाले भी खुश थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में चाहे जितनी भी तरक्की कर लो, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड हमें फिर से वही लेकर आता है जहाँ से हमने शुरुआत की थी। कई साल पहले सूरतपुर नाम के गांव में मनीष नाम का जलेबी वाला रहता था। कई पुश्तों से वो जलेबियाँ बेचा करते थे। मनीष की बनाई हुई जलेबियाँ सभी लोगों को पसंद थी और इसी कारण लोग भी बड़े मजे से खाया करते थे। मनीष बहुत ही लालची आदमी था। वो सबको ठगने के बारे में ही सोचा करता था। सबकी नज़र बचाकर वो तराजू के नीचे चुंबक लगा देता था। कुछ लोगों के तो पैसे हेरा फेरी करके, कुछ लोगों के झगड़ा करके उनसे ज्यादा पैसे वसूल कर लेता था। उसी गांव में एक आराध्या नाम की छोटी बच्ची रहा करती थी। वो बेचारी बहुत गरीब घर की थी। आराध्या दिन भर घर के सारे काम करके उसमें से वक्त निकालकर स्कूल में जरूर जाया करती थी। उसका विश्वास था कि पढ़ाई करके उसका भविष्य जरूर अच्छा होगा। उसके स्कूल में एक रघु नाम का एक नटखट लड़का था। वो हमेशा आराध्या को परेशान करता था और उसे हमेशा रुलाता था। एक दिन आराध्या रास्ते से चल के जा रही थी, तभी रघु पीछे से साइकिल पर आया और जानबूझकर आराध्या से टकराया। आराध्या साइकिल का धक्का लगने की वजह से नीचे सड़क पर गिर गई। तभी रघु ने आराध्या से कहा, क्यों रे आराध्या, बड़ी मैडम की तरह रास्ते के बीचों बीच चल रही है, घंटी बजाने पर भी बाजू नहीं हटती हो, तुम क्या बहरी हो? रघु के ऐसे कहते ही आराध्या बहुत चिढ़ जाती है। आराध्या चिढ़कर रघु से, तुमने बेल कहाँ बजाई थी, झूठ मत बोलो, वैसे भी तुम मुझे हमेशा सताते रहते हो। अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं हेडमास्टर जी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। अरे जा जा, तुम्हें जिसको मेरा नाम बताना है बता दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्कूल तो मेरे दादाजी ने बनवाया है, और तुम्हें पता है मेरे पिताजी कौन है? जाओ, तुम हेडमास्टर जी से कंप्लेंट करो। रघु आराध्या को फटकारते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी आराध्या चुपचाप घर चली जाती है। एक दिन आराध्या अपनी माँ से, माँ, स्कूल के पास सब लोग कुछ न कुछ खरीद कर खाते हैं, मुझे भी खाने का मन करता है, मगर आपके पास पैसे नहीं है ना, इसीलिए आपसे मांगने के लिए सोचती हूँ। आराध्या की बातें सुन उसकी माँ सुमति आराध्या से, हे भगवान, मेरी गरीबी के कारण मेरी बच्ची मुझसे कुछ मांगने के लिए भी सोचती है,
ऐसी परिस्थिति किसी माँ पर ना आए। ये 10 रुपए लो और इससे तुम्हें जो मन में आए वो खा लेना। ऐसा कहकर सुमति आराध्या को 10 रुपए दे देती है और वहां से चली जाती है। तभी आराध्या 10 रुपए लेकर बाजार में चली जाती है। वहां जाकर आराध्या एक जलेबी के दुकान के पास आती है। जलेबी की खुशबू सूंघ आराध्या वहीं ठहर जाती है। मनीष दुकान पर गर्मा गर्म जलेबी बना रहा था। गर्मा गर्म जलेबियों की खुशबू सूंघ आराध्या के मुंह में पानी आ गया। आराध्या वहीं खड़ी रह जाती है। तभी मनीष आराध्या से, अरे क्या चाहिए बेटी तुम्हें, गर्मा गर्म जलेबी दूं क्या? आपके जलेबियों की खुशबू बहुत अच्छी है, जलेबियाँ कैसे दे रहे हो चाचा? तभी मनीष आराध्या से, 1 किलो 240 की, आधा किलो 120 और 1 पाव 60 रुपए की, 10 रुपए की एक जलेबी। जलेबी के भाव देखकर आराध्या मन ही मन, बाप रे, यह तो 10 रुपए की एक ही जलेबी मिल रही है, इस जलेबी से मेरा पेट तो नहीं भरेगा। ऐसा करती हूँ कि ये पैसे लेकर अपने माँ को दे देती हूँ, माँ ने कितनी मेहनत से रुपए कमाए हुए है। ऐसा सोचकर आराध्या वहां से जाने लगती है। तभी मनीष आराध्या से, बताओ बेटी तुम्हें कितनी जलेबी दूँ? मुझे जलेबी नहीं चाहिए चाचा, मैं तो सिर्फ देखने आई थी। अभी के अभी मुझे 10 रुपए दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ बांध कर रखूंगा। उसकी बातें सुन आराध्या बहुत डर जाती है और आराध्या मनीष से, चाचा मैंने आपके दुकान से कुछ भी नहीं लिया और मैं आपको किस चीज के पैसे दे दूँ? तुम कब से मेरे दुकान के सामने खड़ी होकर जलेबियों की खुशबू ले रही हो और मुझसे ही कह रही हो? मेरे जलेबियों की खुशबू लेने के भी पैसे लगते हैं, समझी? मैं कहाँ से दूँ चाचा, मैं बहुत गरीब हूँ। अरे मुझे उससे क्या मतलब, मुझे मेरे पैसे चाहिए वरना तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मनीष की बातें सुन आराध्या रोने लगी और मनीष फिर से आराध्या से, अगर पैसे नहीं दे सकती तो यहाँ मेरी जलेबियों की खुशबू सूंघने क्यों आई? चलो निकालो पैसे, मुझे सब पता है तुम गरीबों के नाटक। आराध्या रोने लगती है। तभी उसका दोस्त रघु वहां से साइकिल से जा रहा था। वो देखता है कि आराध्या उस दुकान के सामने खड़ी रो रही है। साइकिल एक जगह खड़े करके रघु आराध्या के पास आया और आराध्या से, अरे आराध्या क्या हुआ, तुम यहाँ ऐसे क्यों रो रही हो? आराध्या ने सारी बातें रघु को बताई। तभी रघु आराध्या से, आराध्या मनीष जी ने कोई गलत बात नहीं कही, ये तो उनकी जलेबियां है, अगर कोई इसका सुगंध लेगा तो पैसे तो भरने ही पड़ेंगे ना, लाओ तुम्हारे पैसे मुझे दे दो। आराध्या ने रघु को पैसे दे दिए। बेचारे को कुछ समझ ना आने के कारण वो एक ही जगह भूत बनकर खड़ी रह गई। तभी रघु ने वो 10 रुपए के सिक्कों को अपने हाथों के बीचों बीच ले लिया और उन्हें जोर जोर से हिलाने लगा। उन पैसों में से खन 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 ऐसी आवाजें आने लगी। तब मनीष ने रघु से कहा, मनीष जी क्या आपको पैसे की आवाज आ रही है? हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, मैं कोई बहरा नहीं हूँ, खन खन सिक्कों की आवाज मुझ तक पहुँच रही है। तो आपने पैसों की आवाज तो सुन ली, अब मैंने भी आपको पैसे दे दिए, समझे? क्यों रे बच्चे, ज्यादा नाटक कर रहा है क्या मेरे साथ? कहता है कि पैसों की आवाज सुन लेने से पैसे मिल गए, ज्यादा होशियारी की ना तो तुझे भी दुकान में बांध दूंगा। तभी रघु मनीष से, क्यों जलेबी के सुगंध के पैसे आप मांग सकते हो, तो मैं क्या आपको पैसों की आवाज भी नहीं सुना सकता? अरे अंकल तुम्हारा ये नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा, जानते हैं मैं कौन हूँ? इस गांव के जमींदार का बेटा हूँ मैं, और ज्यादा होशियारी की ना तो पापा से बोल दूंगा और वो पुलिस से उठवा कर तुम्हें जेल भिजवा देंगे। ऐसा सुनकर मनीष हक्का बक्का रह गया। तभी रघु के साथ आराध्या उसकी साइकिल पर बैठकर चली जाती है। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद रघु उसे साइकिल से उतार देता है। तुम तो मुझसे चिढ़ते हो ना, फिर तुमने मेरी सहायता क्यों की? आराध्या तुम मेरी दोस्त हो, और कोई मेरे दोस्त को रुलाएगा तो मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता है। मेरे पिछले बर्ताव के लिए मुझे माफ कर देना आराध्या। कोई बात नहीं, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, तुमने मेरी कितनी मदद की है, थैंक यू। वो दुकानदार मेरे दोस्त को कुछ भी बोलता रहता और मैं सुनता रहूं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? इसलिए मैंने उसे सबक सिखाया, वो बहुत ही लालची है, उसके दुकान पर कभी मत जाना। हाँ मैं कभी भी उसके दुकान पर नहीं जाऊंगी। फ्रेंड्स,
ऐसा कहकर रघु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी आराध्या ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए फ्रेंड्स ऐसा कहकर दोनों ने हैंडशेक कर लिया और उसी दिन से दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। रघु के स्वभाव के कारण उसके दुकान पर कोई नहीं आता था। उसकी जलेबियां स्वादिष्ट तो थी मगर उसके लालच की वजह से उसका धंधा धीरे धीरे चलना बंद हो गया। मनीष का लालच उसका पुरखों का धंधा ले डूबा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बहुत बुरी बात होती है। लोगों को ठगना नहीं चाहिए। इन सब से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। लालच बुरी बला होती है।